नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष सोमवार दशमी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा पूरे दिन रेवती नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बुध देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, पवित्र हृदय वाले, हर कार्य करने में समर्थ मगर दुविधापूर्ण मनस्थिति वाले, जल्दी ही अपने निर्णय को बदल देने वाले, ईमानदार और सक्षम अधिकारी होते हैं। ऐसे जातक सरल स्वभाव वाले, तर्कपूर्ण निर्णय देने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन मीन राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज भी चंद्रमा पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि और साथ ही साथ राहु की नवम दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र बुध का होगा, जिससे कार्य योजनाओं का नियंत्रण कुशलतापूर्वक ढंग से होता रहेगा। संबंधित अधिकारियों और विभागीय सहयोग जारी रहेगा। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। अतिरिक्त कार्यभार भी मिल सकता है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय की स्थिरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। आज प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक किसी नवीन कार्य योजना का निर्माण ना करें। ऐसे समय में किए गए प्रयास अनावश्यक रूप से बाधित हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में उत्साह की कमी, मन में नकारात्मक विचारों का उठना और संघर्ष की स्थिति संभावित है। अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा और अपव्यय का संकेत भी मिलता है, मगर निजी निवेश के लिए पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्य योजनाओं के लिए सरकारी एजेंसियों से सहयोग और उचित दिशा निर्देश में भी मिलता रहेगा। हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी मगर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सहयोग और सफलता संभावित है। वृष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी और मेहनत करने की प्रवृत्ति का विकास होगा। किए गए प्रयास सार्थक होंगे। आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी। साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे। विभागीय सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा से अधिकतर कार्य संपन्न होंगे। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। घर गृहस्थी संबंधी मामलों में निवेश भी संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के लिए समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता का संकेत मिलता है। हालांकि प्रशासनिक सहयोग और विभागीय कर्मचारियों की सकारात्मक प्रेरणा आपके मन मुताबिक मिलती रहेगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में विस्तार होगा और सफलता मिलेगी। साझेदारी के कामों में भी सार्थक प्रेरणा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त रहेगा। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और संतुष्टि महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का दौर चलता रहेगा, मगर रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और विभागीय दिशा निर्देश मिलता रहेगा। सामाजिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्य योजनाओं की गति प्रभावित हो सकती है और विकास की दर में उतार चढ़ाव संभव है। अतिरिक्त जिम्मेदारी और कार्य की अधिकता बढ़ी रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थी प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। निजी रिश्तों में सौहार्दपूर्ण माहौल अपेक्षित है। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष में स्थिरता आएगी और लाभ की स्थिति आपकी सक्रियता के ऊपर निर्भर करेगा, मगर अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर गृहस्थी और कार्यस्थल में आवश्यक संसाधनों के लिए रचनात्मक पहल जारी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा। कामकाज में गति आएगी और बहुप्रतीक्षित मामले संपन्न होंगे। संतान संबंधी मामलों में बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों को सार्थक फल मिल सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम बढ़ा रहेगा, उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, रुके हुए काम संपन्न होंगे, आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर माँ के स्वास्थ्य की चिंता और घर गृहस्थी संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। सरकारी कार्यों में खर्च का अंदेशा बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पहले से बेहतर स्थिति महसूस होगी। प्रबल आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति आर्थिक मामलों में मदद करेंगे, मगर कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। मानसिक चिंता बनी रहेगी, साथ ही सामान्य ढंग से चल रहे कामों में रुकावट का अंदेशा बनता है। उत्तेजनात्मक माहौल को परिस्थितियों के अनुसार सामान्य करने की कोशिश होनी चाहिए। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा और सहयोग बरकरार रहेगा, फिर भी कार्य क्षेत्र के कुछ पहलुओं पर मन सशंकित होगा। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुसार मिलता जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी। प्रशासनिक सहयोग और विभागीय प्रेरणा से राहत महसूस करेंगे और सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। मन मुताबिक काम होने का समय हो चुका है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाणी पर नियंत्रण आवश्यक होगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में लाभ मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और संतान संबंधी मामलों में राहत महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रस्तावों में अनुकूलता बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के आवश्यक संसाधनों में और साथ ही साथ गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और निवेश की संभावना बनती है। नई योजनाओं का लाभ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे, मगर पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सरकारी विभाग के रुके हुए काम पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास सार्थक होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। मकर राशि वाले जातकों को प्रयासों में बल मिलेगा। रचनात्मक क्रियाशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति साथ देंगे। विभागीय सहयोग बना रहेगा और अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाने वाली होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूर्ण सहयोग और सफलता का संकेत मिलता है और संबंधित यात्राएं संभावित हैं। साझेदारी सफल रहेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। प्रयास जारी रखें और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास सकारात्मक प्रेरणा को जन्म देंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और मिसाल कायम करेंगे। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और विरोधी परास्त होंगे। बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। नई कार्य योजनाओं और साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। निजी निवेश के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। वैवाहिक प्रयासों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा और बहुत प्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे। चंद्रमा आपकी राशि पर ही चल रहे हैं। आत्मिक सुख और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी, मगर महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और अपने अनुरूप हर काम करते जाएंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।